ओम शांति। आज बाबा के 5 सितंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज इंटरनेशनल टीचर्स डे है। हम सभी मिलकर सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा का तह दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हम सबको परम धाम से हर रोज आकर के पढ़ाते हैं और ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि राजयोग कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता, इसे स्वयं परम पिता परमात्मा हम सबको सिखाने के लिए इस धरा पे अवतरित होते हैं। और वो कभी हमसे थकते नहीं, अपनी मीठी शिक्षाएं देते हुए हमारा जीवन परिवर्तन करते हैं। तो आज हम सभी शिक्षकों के शिक्षक, परम पिता परमात्मा शिव को हम सब उनकी मीठी मधुर शिक्षाएं देने के लिए, पढ़ाने के लिए सभी गॉडली स्टूडेंट उनका थैंक्स करते हैं। और आज के महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात हम सबको समझाई कि मैं अपना कार्य प्रेरणा से नहीं करता हूँ, बल्कि मैं परम धाम से सृष्टि पर अवतरित होकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम बच्चों को समझाता हूँ, गाइडेंस देता हूँ। बाबा स्वयं धरती पर आते हैं, कार्य कराते हैं, इसलिए उनको कहते हैं करण करावन हार। साथ साथ बाबा ने निरंतर योगी बनने के लिए बहुत अच्छी विधि बताई, और वो है सर्व संबंधों का रस परम पिता परमात्मा से लेना। परम पिता परमात्मा के साथ जब हम सर्व संबंध जोड़ते हैं तो हमारा जीवन लगन में मगन हो जाता है, दुनिया में रहते भी सबसे उपराम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक के साथ सभी नाते जोड़ लिए, कि वो पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी हैं, दोस्त भी हैं, हमारे लिए हमारा गाइड भी है। जो भी संबंध जोड़ना चाहें, हर संबंध उसके साथ है। ऐसे हर संबंध जोड़ने वाली आत्मा निरंतर योगी बन जाती है। अब हम एकाग्र होकर इस नशे में बैठ करके सुनेंगे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉड मुझे समझा रहे हैं, जो उन्होंने कहा मेरे लिए कहा। ईश्वरीय महावाक्य हैं मीठे बच्चे। इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अब तुम्हें शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अब तुम्हें शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है, सत्युगी राज्य में आना है। क्वेश्चन है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, ये किस बात से सिद्ध होता है? ऐसी कौन सी बात है जिससे सिद्ध होता है कि वो प्रेरणा से नहीं करते हैं कार्य, बल्कि उनका अवतरण होता है? बाप को कहते हैं करण करावन हार। क्या कहते हैं? करण करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती, बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मिंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। बाबा को साकार माध्यम का आधार लेना होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कार्य करने के लिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। जब बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, तो बाबा के सामने सब छोटी छोटी आत्माएं हैं, और बाबा स्वयं निराकार पिता बच्चों को समझा रहे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी, बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब सम्मुख होते हैं। उन्हें कहा जाता, इसको ही कहा जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा,
जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंच ते ऊंच बाप को, ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। ईश्वर को ही परम पिता कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं। परम पिता अर्थात सभी का पिता एक है, सारे विश्व की आत्माओं का पिता एक है। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं, परम पिता परमात्मा, और हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं। यहाँ पार्ट बचाने आती हैं। सतयुग से लेके कलयुग अंत तक पार्ट बचाया, ये हो गई नई रचना। हम सब आत्माओं ने सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट बचाया, यह है नई रचना। रचता बाप ने समझाया, तुम बच्चों ने ऐसे पार्ट बचाया। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब तुम बच्चों से ही बाबा बात कर रहे हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया। बाबा किनसे बात करते हैं? जिन्होंने पूरा चक्र लगाया। बाबा अच्छा ही उन्हें लगता है जिन्होंने 84 का चक्र लगाया। मुरली अच्छी उनको लगती है जिन आत्माओं ने 84 का चक्र लगाया। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते, ये समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हम हर 5-4 वर्ष के बाद यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। हम सब पार्ट धारी हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान का विचित्र पार्ट है। ध्यान से समझेंगे, सभी आत्माएं पार्ट धारी हैं, शरीर लेकर पार्ट बजाती हैं। बाबा भी, उनका भी विचित्र पार्ट है, उनका शरीर नहीं लेकिन ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे, दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। ताकि शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है नहीं, त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना विनाश और पालना। चित्रों पे समझाना होता है, चित्र जो दिखाते उस पे समझाना है। त्रिमूर्ति के चित्र को बाबा याद कर रहा है कि स्थापना स्वर्ग की ब्रह्मा के द्वारा, पालना नई दुनिया की विष्णु जी के द्वारा, विनाश शंकर जी के द्वारा। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमने बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा यानी विचार, प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। बाहर जाने की प्रेरणा नहीं अर्थात कोई विचार नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। वो आते हैं कर्म इंद्रियों द्वारा पार्ट बचाने। करण करावन हार है ना, कराएंगे तो बच्चों से, शरीर बिगड़ तो कर ना सके। बाबा किसी न किसी माध्यम से ही कार्य कराएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे भी मेरे सहयोगी बनते हैं, इन बातों को कोई भी नहीं जानते, न ईश्वर बाप को जानते। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा बाप को, कोई में ज्ञान नहीं। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं। बाबा क्रिएटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और वो डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं। ध्यान से समझेंगे, बाबा हम सबको श्रीमत देते हैं जिससे हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। ना तो हमें मनमत पे चलना है, ना परमत पे चलना है, बल्कि श्रीमत पे चलना है। मनुष्यों की बुद्धि में सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो ये बेहद बाप की फैमिली है। बाबा सर्वशक्तिवान है, ये बाबा की फैमिली है। बाप कहते हैं कि बाप तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, वो है निराकार परम पिता, निराकार आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है बाबा, बिगर शरीर तो आत्मा बोल ना सके। भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, समझते हैं बाबा दुख हरता सुख करता है, सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख, ये ज्ञान तुम्हें मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। भगवान कब अवतरित होते हैं? जब नई दुनिया की स्थापना का समय, पुरानी दुनिया के विनाश का समय है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना,
पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अब तुम्हें बेहद नाटक की नॉलेज मिलती है, जैसे उस नाटक में एक्टर आते हैं, घर से साधारण कपड़े पहनकर आते हैं, नाटक में जाकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है, जैसे उस नाटक में जब आते हैं आकर फिर ड्रेस चेंज करते हैं, घर जाते समय फिर ड्रेस चेंज करके पहले वाली पहन के जाते हैं। बाबा कहते हैं आपको तो अशरीरी बनकर घर आना है, यहाँ आकर शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। परमधाम में कैसे होते हैं, सब ज्योति बिंदु सितारे, यहाँ पर आते हैं तो शरीर रूपी ड्रेस पहनते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, यूज करेंगे बाबा की इस बात को, हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ये बेहद का नाटक है। अब ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर नई दुनिया होगी, वो बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ एक धर्म है। अनेक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती, वहाँ तो एक धर्म थोड़े मनुष्य, एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता। तुम बच्चे इस बेहद नाटक के राज को जानते हो कि चक्र कैसे फिरता है। हम सबने सृष्टि चक्र को समझा है, बेहद का नाटक है, कैसे रिपीट होता रहता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबर वन कौन कौन से त्योहार हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे, वो जब आए फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुम्हें पढ़ाते हैं। तो पहले पहले बाप आया शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती, बाबा आए पहले शिव जयंती हुई, बाबा ने ज्ञान दिया फिर गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो, इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं, बोले किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं, झाड़ में बिल्कुल साफ है, झाड़ मतलब कल्प वृक्ष का चित्र, बिल्कुल साफ है। जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले पहले बाप आते हैं, आकर राजयोग सिखाते हैं, फिर कहेंगे शिव जयंती, सो गीता जयंती, फिर नारायण जयंती, वह हो जाता सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बातें हैं। बाबा आए, गीता ज्ञान दिया, गीता जयंती हो गई। बाबा कहते बातें समझने की हैं, ये ज्ञान की बातें। शिव जयंती कब हुई वो भी पता नहीं, ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता, फिर विनाश भी होता। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई होलीडे नहीं है, मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते, लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को भी नहीं जानते हैं। बाबा आकर के समझाते हैं, बाप कहते हैं अब नई दुनिया की स्थापना, यहाँ प्रेरणा की कोई बात नहीं है, प्रेरणा से नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसके लिए लड़ाई है, इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया क्लास हो जाएगी, मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब क्लास हो जाएंगे, फिर नई दुनिया चाहिए। बाबा तैयार कर रहे हैं हम सबको कि परिवर्तन होना है, जो कुछ भी दिखाई देता है ये विनाशी है। नई दुनिया थी जरूर, देहली परिस्थान थी, यमुना का कंठा था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी हैं, श्री लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, कैसे स्वयंवर होता है, ये पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते। अच्छा पॉइंट्स याद नहीं पड़ती तो बाबा को याद करो, तो ये कहते बहुत सारी ज्ञान की बातें याद नहीं रहती हैं। बाबा कहते अच्छा पॉइंट्स ज्यादा याद नहीं रहती तो बाबा को याद करो, बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। आज तो वैसे परम शिक्षक के सम्मान का दिन है तो टीचर के रूप में उसकी शिक्षाएं याद करो, बाबा ने मुझे क्या क्या समझाया। टीचर जो सिखाते हैं वो भी जरूर याद आएगा ना, टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में याद रहेगा। बाबा आए हैं, बाबा भी याद रहेगा,
जिसने एम ऑब्जेक्ट दी है कि आपको मनुष्य से देवता बनना है, वो भी बुद्धि में रहेगी, नॉलेज बुद्धि में रहेगी, याद रखना पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। जानते हो, जो हमें पढ़ाते हैं वे हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता, लौकिक, पारलौकिक, फिर ये है अलौकिक, इन्हें कोई भी याद नहीं करते हैं। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता, अंत तक याद रहती है, शरीर छोड़ा दूसरा बाप मिलता, जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं, पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला कहेंगे ईश्वर ने दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़ा ही है, इन्हें अलौकिक पिता कहा जाता है। जानते हो, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ये रथ भी निमित्त बना है, बहुत जन्मों के अंत में इनका रथ निमित्त बना, रथ का नाम तो रखना पड़ता है, ब्रह्मा का तन शिव बाबा आधार लेते हैं, तो ये शिव बाबा का रथ है। जैसे हम आत्मा हैं, हम आत्मा के लिए शरीर हमारा रथ है, तो बाबा भी ब्रह्मा तन में आते हैं। ये बेहद का संन्यास, रथ कायम ही रहता, बाकी का ठिकाना नहीं। बाबा कहते जो रथ है ना बाबा का, वो तो पक्का निश्चय बुद्धि, वो तो कहीं छोड़ के जा नहीं सकता, बाकी कहीं को चलते चलते संशय आ जाता है। हम सबको श्योर करना है बाबा को कि बाबा हम भी आपके निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, हम आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने कहा ये रथ तो कायम रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं, चलते चलते भागंती हो जाते हैं, ये रथ तो मुकर्रर है। ड्रामा अनुसार इन्हें कहते हैं भाग्यशाली रथ। किन्हें कहते हैं भाग्यशाली रथ? ब्रह्मा बाबा के रथ को भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, भाग्यशाली रथ एक माना जाता जिसमें बाबा आके ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं, ब्रह्मा तन से स्थापना का कार्य कराते हैं, ज्ञान देते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ पे बैठ पड़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। बाबा कहते ये शरीर जिस तन में बैठकर आप ज्ञान सुनते हो, भले ये पतित पुराना शरीर है, लेकिन राजयोग तो इसी तन में आप सीख रहे हो। जानते हो हमारी जीवन वर्थ नाट्य पैनी थी, अब वर्थ पाउंड बन रही है, पहले कौड़ी जैसी थी, अब हीरे जैसी बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने समझाया याद की यात्रा मुख्य है, इसको भारत का प्राचीन योग कहते हैं। बाबा ने कौन सा योग सिखाया? राजयोग। ये प्राचीन योग है जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पे मदार। सत्युग में तो सब चाहेंगे, लेकिन कोई ऊंचा पद वाले, कोई कम पद वाले, ये पढ़ाई पर निर्भर है। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम्हें फिर देवता बनेंगे। कहाँ बैठे हम सब? स्कूल में। फिर हम पढ़कर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, भविष्य में ऊंचा पद किसका होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है, आसुरी मत से हम उतरती कला में आते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं, आसुरी मत से नीचे आते चले गए, बाबा की मत पर चलने से चढ़ती कला। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, स्वयं ईश्वर हमें अपनी मत देते हैं, श्री मत देते हैं। आसुरी मत देने वाले अनेक हैं, माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है, अब तुम्हें एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है, तो ऐसे श्रीमत पे चलना चाहिए। जितना चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ पद पाएंगे, जितना चलेंगे श्रीमत पर उतना उच्च पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद पाएंगे। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंच ते ऊंच भगवान है जिससे तुम देवता बनते हो। बाप कहते हैं देवी देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। सत्युग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, देवताएं तो सब जानते हैं कि वो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। बाप ही संगम युग पर आते हैं तो
तुम बच्चों को ऐसा बनाते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तुम सब ठहरे, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? शिव बाबा सब आत्माओं के पिता, ब्रह्मा को कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो वो धर्म पिताओं के भी पिता हैं। ये ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहने हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं है, ये ब्राह्मण कुल है। तो संगम का समय थोड़ा समय चलता है, ये ब्राह्मणों का परिवार है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं, ब्राह्मणों का परिवार है। राजाई ना पांडवों की है ना कौरवों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आज कौन सी बात बहुत अच्छी लगी? कोई एक बात को हम अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, कुछ सेकंड साइलेंस में बैठकर जरूर सोचें, आज मुझे क्या अच्छा लगा। सुनेंगे 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ ईश्वरीय मत पे चलना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। इसी तन में होते बाबा की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। ये बहुत वैल्यूएबल जीवन है, इसमें वर्थ पाउंड बनना है, हीरे जैसा बनना है। बहुत ही सुंदर वरदान, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। जिस समय आपको जिस चीज की आवश्यकता है, जिस संबंध की आवश्यकता है, बाबा वो संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्या बनना है? निरंतर योगी सहज योगी। क्योंकि जो सर्व संबंध की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है, वो पुरानी दुनिया के वातावरण से उपराम हो जाता है। जो बाबा से संबंध जोड़ता है, प्राप्तियों की अनुभूति करता है, वो पुरानी दुनिया से उपराम हो जाता है। सरल शब्दों में बाबा हमारे पिता के साथ शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं, दोस्त भी हैं, सर्जन भी हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं तो बाबा को सर्जन के रूप से याद करो, बाबा जरूर आपको टचिंग देंगे या योग्य जिसकी आपको आवश्यकता है उसे मिला देंगे। ऐसे बाबा कहते भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा को याद करो तो योग सहज हो जाएगा, प्राप्तियों का अनुभव होगा। और जहाँ अनुभूतियाँ होती हैं, प्राप्तियों में मगन होते हैं, तो सब तरफ से उपराम होना सहज होता है। श्लोक ने सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, ये ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना ये ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सहज योगी हूँ। चलते फिरते याद रहे मेरे सभी संबंध सर्वशक्तिवान से है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।